सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेंस और दर्पण से संबंधित आंकिक प्रश्नों में आने वाली समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आपके सिलेबस में भी लेंस और मिरर है तो हमारा वीडियो ज़रूर देखें। यदि आप कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में लेंस और मिरर से संबंधित समस्याएँ हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यदि आपके दिमाग में एफ, वी और यू के प्लस माइनस के चिन्ह आपके दिमाग में घूमते रहते हैं तो ये वीडियो आप पूरा देखिए। अधिकतर विद्यार्थियों को इनमें समस्या आती है कि एफ और वी यू कब प्लस में होते हैं, कब माइनस में होते हैं। यदि आपको भी इसमें किसी भी तरह की समस्या आती है तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें। लेंस और दर्पण से संबंधित कुछ चीज़ें पहले हम जानते हैं। लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है जबकि दर्पण अपारदर्शी होता है। हम जानते हैं कि लेंस से प्रकाश का अपवर्तन होता है जबकि दर्पण से प्रकाश का परावर्तन होता है। सीधा प्रतिबिंब हमेशा ही आभासी होता है तथा उल्टा प्रतिबिंब हमेशा ही वास्तविक होता है। यदि कोई दर्पण वस्तु का सीधा और आवर्धित यानी बड़ा प्रतिबिंब बनाता है तो वह दर्पण अवतल दर्पण होगा। यदि वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है तो वह दर्पण अवतल दर्पण होगा। सेविंग मिरर्स में भी अवतल दर्पण होता है। तो जहाँ कहीं भी सीधा एवं आवर्धित, वास्तविक एवं उल्टा शब्द आए तो हम मान लेंगे कि वह दर्पण अवतल दर्पण है। यदि कोई दर्पण वस्तु का सीधा व छोटा प्रतिबिंब बनाता हो तो वह उत्तल दर्पण होगा। एटीएम, पश्चदर्श दर्पण और पार्श्व दर्पण में उत्तल दर्पण होता है। लेंस के बारे में, यदि कोई लेंस वस्तु का सीधा और बड़ा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है तो वह उत्तल लेंस होता है। तो जहाँ कहीं भी ये शब्द आए कि सीधा और आवर्धित, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह लेंस उत्तल लेंस होगा। यदि कोई लेंस वस्तु का सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता हो तो वह अवतल लेंस होगा। ये हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब ही बनाते हैं। कॉन्वेक्स लेंस और मिरर यानी उत्तल दर्पण और लेंस, इधर हम देखेंगे अवतल दर्पण और लेंस, इनके एफ, वी और यू के चिन्ह कब प्लस में होते हैं, कब माइनस में होते हैं देखते हैं। तो ये उत्तल है। तो उत्तल में तीन अक्षर होते हैं और प्लस में भी तीन अक्षर होते हैं। एक समझने की दृष्टि से हम मान लेते हैं कि उत्तल और प्लस दोनों में तीन तीन अक्षर होते हैं। तो उत्तल के लिए फोकस दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों प्लस में होती है। इसी प्रकार अवतल के लिए अवतल और माइनस दोनों में चार चार अक्षर होते हैं। तो अवतल लेंस और दर्पण के लिए फोकस दूरी और उसकी प्रतिबिंब दूरी दोनों माइनस में होती है। यू हमेशा ही माइनस में होता है क्योंकि हम दर्पण या लेंस के वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखते हैं तो उधर वाली सारी दूरियां माइनस में होती है। तो यू हमेशा माइनस में होता है। और अब हम यहाँ पे एक बात और देखते हैं कि अवतल लेंस और दर्पण के लिए सारी की सारी दूरियाँ माइनस में होती है और यू हमेशा माइनस में होता है। एफ उसकी फोकस दूरी होती है और वी प्रतिबिंब दूरी होती है जबकि यू बिंब या वस्तु की दूरी होती है। यदि उत्तल लेंस और अवतल दर्पण, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं तो वी का चिन्ह हम बदल देंगे। तो इस बात को हम ध्यान रखें कि जहाँ भी उत्तल लेंस और अवतल दर्पण ये अधिकतर उल्टा प्रतिबिंब बनाते हैं, परंतु यदि ये सीधा प्रतिबिंब बनाएं तो वी का चिन्ह हम बदल देंगे। वी को वहाँ पे हम नेगेटिव लिखेंगे।
यदि वी बड़ा है यू से, यानी प्रतिबिंब की दूरी बिंब दूरी से अधिक है तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा। यदि वी बराबर यू तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा। यदि यू बड़ा है वी से तो इमेज या प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा। मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला, वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू बराबर वन अपॉन एफ, यानी इसमें यहाँ पे प्लस होता है तो ये मिरर फार्मूला, और यदि यहाँ पे माइनस लगा दें वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू बराबर वन अपॉन एफ, तो ये होता है लेंस का फॉर्मूला यानी लेंस सूत्र। तो इन दोनों में अंतर सिर्फ इतना होता है प्लस और माइनस का, तो दर्पण में प्लस होता है और लेंस में माइनस होता है। u बिंब की दूरी है यानी दर्पण या लेंस से वस्तु की दूरी है, और v प्रतिबिंब की दूरी है, जबकि f उसकी फोकस दूरी है। आवर्धनता यानी कोई लेंस या दर्पण वस्तु से कितना गुना प्रतिबिंब बनाता है, कितना उसको आवर्धित करता है। तो m यानी मैग्नीफिकेशन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब ऊंचाई, h डैश अपॉन h बराबर, अब यहाँ पे दर्पण के लिए माइनस वी अपॉन यू से भी ये इसके आवर्धन निकाला जा सकता है। इसी प्रकार लेंस के लिए m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब ऊंचाई h डैश अपॉन h बराबर, यहाँ पे प्लस लेंगे अब लेंस में, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस होता है, जबकि दर्पण में यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, ये दोनों चिन्ह हमेशा विपरीत होते हैं। तो इसका m प्लस वी अपॉन यू से निकाला जा सकता है। m के मान से हम कई प्रकार के निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं। m का मान पॉजिटिव होने पर प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होगा, जबकि नेगेटिव होने पर प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। यदि m बड़ा है एक से तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा। यदि m एक के बराबर है तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है। यदि m का मान एक से छोटा है तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है। तो मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और यदि किसी भी प्रकार के आपको समस्या आ रही हो तो उस पर यदि वीडियो की आवश्यकता हो तो आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको उस प्रकार का वीडियो ज़रूर भी उपलब्ध करवाऊँगा। तो लेंस और दर्पण से संबंधित मैंने कई सारे और वीडियो भी बनाए हैं जो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए हमारा चैनल स्टार साइंस आप देखते रहिए।